आज अल्लाह का करम है, शुक्र है, आज हमारे बहुत ही मुमताज़ शहर हैदराबाद के शख्सियत जनाब मोहतरम मोहम्मद असलम खान देसवाली साहब आज तालीम कुरान अकेडमी हमारे इदारे में तशरीफ लाए और साथ साथ ही माशाल्लाह बच्चों में इनामात भी तकसीम करे। जिन बच्चों ने रोज़ा रखा उनमें जो है रकम तकसीम की गई और साथ ही नाज़रीन जिन बच्चों का ख़त्म कुरान हुआ उनमें कुरान पाक का तोहफ़ा, जिन बच्चों ने नाशरीफ में हिस्सा लिया उनके लिए नाशरीफ के नातू की किताब का तोहफ़ा असलम भाई ने अपनी जानिब से जो है पेश किया। और दुआ करते हैं अल्लाह करीम इनका ये यहाँ आना कबूल व मंजूर फरमाए और हम इनके बेहद शुक्र गुज़ार हैं कि तशरीफ़ लाएँ। आए आपको कुछ इस प्रोग्राम के मनासिब दिखाते हैं। बाद नबियों के वो सिद्दीक को जाने आला, वो नहीं मानते हैदर को खुदा के जैसा। बाद नबियों के वो सिद्दीक को जाने आला, वो नहीं मानते हैदर को नबी से बढ़कर। ऐसे होते हैं अली के नौकर, 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 ऐसे होते हैं अली के नौकर। जिक्र सरकार में करते हैं जो दिन रात बसर, ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के आज ये तालीम कुरान अकेडमी में मैंने विजिट किया जिसके सरबराह हाफिज़ मोहम्मद अली साहब ने, तो बड़ी मुझे खुशी हुई। मैंने देखा कि बच्चे बच्चियां कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे थे और सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की हुई कि मैंने देखा कि छोटी छोटी बच्चियों ने रोज़ा भी रखा हुआ था। और ये बहुत ही बेहतरीन इकदाम है कि हाफिज़ मोहम्मद अली साहब जिस तरह दीन की खिदमत कर रहे हैं, मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ।